हाय स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर टू ऑफ चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस। लेक्चर नंबर वन में अब तक हमने पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है, मैपिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैपिंग डायग्राम की हेल्प से कंफर्म कैसे करते हैं फंक्शन है या नहीं, बाय ग्राफ कैसे कंफर्म करते हैं फंक्शन है या नहीं। अब इस चैप्टर में तीन टर्म्स काम आते हैं, वैसे टर्म्स ऑलरेडी हमने सीखे हैं रिलेशंस के अंदर, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। एक बार इनको यहां भी पढ़ लिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विथ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। लेट्स सपोज फंक्शन ले लिया मैंने एफ, इसको डिफाइन किया ए से बी, इसको पढ़ेंगे आप वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। वाई यहां पे एक्स का फंक्शन है, एक्स तो हो गया यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई हो गया यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज वाई यहां पे एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसको पढ़ रहे हैं आप वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स वाई यहां पे एक्स का फंक्शन है। तो सबसे पहले लेते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? देखो, डोमेन का डेफिनेशन लिखने से पहले एक चीज अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे अपन रियल लाइफ में मशीन देखते हैं, बहुत सारी मशीन अपने आसपास देखी होंगी आप लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन लेके देखिए आप, सिग्नल ले लिया, जूसर ले लिया। अब जूसर में कुछ ना कुछ इनपुट देंगे आप, तो उसके रिलेवेंट कोई ना कोई आपको आउटपुट मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इनपुट दे दिया आपने, जिस इनपुट के लिए वो मशीन बना हुआ है वैसा ही इनपुट आप दे पाएंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एज ए इनपुट दिया आपने कोई फ्रूट दिया जूसर के अंदर, और आपको आउटपुट के रूप में क्या मिल गया, जूस मिल गया। अगर आपने इनपुट के रूप में उस मशीन में उस जूसर के अंदर एक बहुत बड़ा सारा पत्थर डाल दिया होता, तो क्या अब आपको कोई आउटपुट मिल पाता? नहीं, वो मशीन वहीं पे बंद, खराब, मशीन काम करती नहीं। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो मशीन होती है ना, उसको बोलते हैं ना फंक्शन। यहां पे फंक्शन ऐसे मशीन ही काम करता है, मतलब कुछ इनपुट देंगे आप और करेस्पोंडिंग क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। जैसे देखते हैं ये मशीन मेरे पास यहां पे क्या है, एफ। इनपुट क्या दिया आपने, एक्स दिया, आउटपुट क्या मिला आपको, वाई मिला। एक्स यहां पे इनपुट है और वाई यहां पे क्या है, आउटपुट। तो आपने कमेंट किया कि फंक्शन जो है यहां पे वो एज ए मशीन ही काम कर रहा है। तो इनपुट एक्स दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, वाई मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी इनपुट दे दिया आपने, बिकॉज मशीन को आपको काम करवाना है, मशीन को काम करवाना है। तो यहां पे एज ए इनपुट आप वही एक्स दे पाएंगे जिसके लिए ये मशीन काम कर रही हो, जिसके लिए फंक्शन काम कर रहा हो, मतलब फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। फंक्शन का काम करना मतलब फंक्शन का डिफाइन होना। तो ऐसा एक्स ही आप एज इनपुट दे पाएंगे जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए, और एक्स की ऐसी वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, उसी सेट का नाम क्या होता है, डोमेन। लिखिए डेफिनेशन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इनपुट फॉर विच गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की ऐसी वैल्यूज का सेट जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो आगे से जब भी आपको डोमेन पूछा जाए किसी फंक्शन का, मतलब आपको क्या करना है, उस फंक्शन को डिफाइन करना है। ये तो क्या डोमेन। नेक्स्ट रेंज के ऊपर आते हैं। डोमेन था इनपुट और रेंज होगा आउटपुट, क्या मिल रहा है, वाई। यानी वाई की वैल्यूज का जो सेट बनेगा उसी का नाम क्या होता है, रेंज। जो वाई की वैल्यूज आपको मिल रही है, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की जब
एक्चुअल में आपको वैल्यूज मिल रही हैं, उनका अगर सेट बना दिया जाए उसी का नाम क्या पड़ेगा, रेंज पड़ेगा। थर्ड टर्म, कोर डोमेन। रिलेशन के अंदर हमने देखा था कि अगर कोई रिलेशन आर आपने ए से बी डिफाइन किया होता है तो सेकंड सेट यानी बी को क्या बोलते हैं आप, कोर डोमेन बोलते हैं। और फंक्शन भी एक रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है। तो अगर आपने ए से बी डिफाइन किया फंक्शन को तो सेकंड सेट यानी बी उसी को क्या बोल रहे हैं आप, कोर डोमेन बोल रहे हैं। जो भी सेकंड सेट होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, कोर डोमेन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि सेकंड सेट आपको गिवन नहीं होता है, आपको सिंपल इतना दे दिया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को फंक्शन है, कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं। अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो डोमेन क्या लेंगे आप और साथ में कोडोमेन क्या लेंगे। डोमेन का मतलब तो x की ऐसी वैल्यूज का सेट जहां पे फंक्शन डिफाइन हो जाए वो तो निकाल लेंगे आप, बट इसने सेकंड सेट दिया ही नहीं। तो जब भी सेकंड सेट नहीं दिया जा रहा हो तो आपको ऑलवेज सेकंड सेट लेना पड़ेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये ऑलवेज ध्यान रखिए। अगर ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा है तो सेकंड सेट यानी कोडोमेन ऑलवेज कह लेंगे आप सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखा तो आप क्या मान लेंगे इसको, सेट ऑफ रियल नंबर्स मानने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। कोडोमेन हो गया था। दो टर्म्स इसमें और काम आते हैं वो भी पढ़ लेते हैं साथ में, इमेज एंड प्री इमेज। इमेज एंड प्री इमेज, एक मैपिंग डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पे, उससे कुछ क्लियर होगा। जैसे ए से बी डिफाइन किया मैपिंग मैंने, एफ बोल रहा हूं इसको, कुछ एलिमेंट लेते हैं हम, सपोज 1, 2, 3 यहां पे लिया मैंने अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब इनको एसोसिएट किया जाए, सपोज 1 अल्फा से, 2 भी अल्फा से और 3 बीटा से। तो इमेज में क्या फाइंड करना है, वो देखते हैं। वन का इमेज क्या होगा, यहां वन का इमेज अल्फा, टू का इमेज भी अल्फा, थ्री का इमेज बीटा। तो इमेज में फाइंड क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स, एक्स आपको दिया जाएगा और वाई आपको फाइंड करना पड़ेगा। प्री इमेज, अल्फा का प्री इमेज क्या है, वन, बीटा का प्री इमेज क्या है, सॉरी अल्फा का प्री इमेज वन भी है एंड टू भी है, दोनों प्री इमेजेस की, बिकॉज वन भी अल्फा से लिंक है और टू भी अल्फा से लिंक है। बीटा का प्री इमेज 3, गामा का प्री इमेज कुछ भी नहीं है और डेल्टा का प्री इमेज अगेन कुछ भी नहीं है। तो प्री इमेज में क्या फाइंड कर रहे हैं आप, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई। तो लिखिए इनका डिफरेंस, इमेज वैल्यू ऑफ वाई फॉर गिवन एक्स, एक्स फाइंड, वाई फाइंड करना आपको और एक्स आपको दिया जाएगा। प्री इमेज इसमें क्या फाइंड कर रहे थे आप, एक्स फाइंड कर रहे थे, तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन वाई। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, डिफाइन कर दिया आपने सेट एन से सेट एन में, देन फाइंड फर्स्ट वन इमेज ऑफ टू एंड सेकेंड प्री इमेज ऑफ, ये मान लिया सपोज आपने 11, टू का इमेज और 11 का प्री इमेज, करिए सोल्व करिए इसको। इमेज में क्या गिवन होता है, एक्स गिवन होता है, वाई निकालना होता है। एक्स पुट करिए टू, यहां टू स्क्वायर 4 प्लस 2 विल बी 6, आंसर विल बी 6। प्री इमेज में आपको एक्स गिवन होते हैं, प्री इमेज में वाई गिवन होता है, एक्स आपको निकालना होता है। वाई कितना पुट करना आपको, 11 यहां पर रखिए 11, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर विल बी 9, एक्स विल बी प्लस माइनस 3, बट
आपने डिफाइन कर रखा है n पे, नेगेटिव एलिमेंट वहां पे नहीं आएंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा अपना, 3 बन जाएगा। इस तरीके से आप इमेज और प्री इमेज निकाल सकते हैं। इस पे एक सवाल और अपन बनाते हैं और उसको एज ए क्वेश्चन करने के बजाय नोट पे लिखवा दे रहा हूं आपको। लिखिए नोट पे फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू, किसी भी एलिमेंट की मिनिमम एंड मैक्सिमम इमेजेस कितनी बनेगी। जैसे यहां पे देखिए मैप में डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यहां पे वन का इमेज कितना एक ही है, टू का भी कितना एक ही है, थ्री का भी कितना एक ही है। क्या किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन सकता है क्या? अगर एक से ज्यादा इमेज बन गया तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। क्या किसी भी एलिमेंट का एक से कम इमेज बन सकता है? अगर इमेज बनाई नहीं तो एलिमेंट ब्लैंक छूट जाएगा, वो ब्लैंक छूटते अगेन वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। सेकंड, मिनिमम ये नंबर ऑफ लगा दीजिए, नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इमेजेस, प्री इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कम से कम कितनी पॉसिबल इमेज बन सकती, कितनी पॉसिबल इमेजेस बना सकते हो कम से कम। ध्यान रखिए गामा की एक भी प्री इमेज नहीं है, डेल्टा की भी एक भी नहीं, तो कम से कम कितनी? जीरो। जीरो से कम तो पॉसिबल नहीं। थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल प्री इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की मैक्सिमम कितनी इमेज प्री इमेजेस बना सकते हैं। जैसे अगर इसी मैपिंग डायग्राम में कुछ चेंज कर दिया जाए और कुछ ऐसा बना दिया जाए इसको, आप देखिएगा अल्फा की प्री इमेज ये तीन होंगी, बीटा का एक भी नहीं, गामा का एक भी नहीं, डेल्टा का एक भी नहीं, तो मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं आप? जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, और एक केस का डोमेन मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, एन ऑफ डोमेन एंड फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो ये हो गया अपना इमेज एंड प्री इमेज। इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले एक सवाल कर लेते हैं अपन, तो लिखिए फर्स्ट एक ही सवाल करेंगे। लेट इस सेट मान लेते हैं, सपोज कैपिटल ए मान लिया, एलिमेंट रखे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, देन फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट ए सच दैट रेंज ऑफ एवरी फंक्शन कंटेंस एग्जैक्टली थ्री एलिमेंट्स। सेट ए आपको दिया जा रहा है, टोटल 5 एलिमेंट इसके अंदर। सेट ए पे डिफाइन यानी ए से ए में डिफाइन नंबर ऑफ फंक्शंस आपको काउंट करने हैं जिनकी रेंज में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट आते हो।
नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को यहीं पॉज करके इसको सोल्व करना स्टार्ट करिए। कुत्ते बिना कितने भौंकते हैं। ओके, लगे इसका सॉल्यूशन। जैसे बनाया मैंने इसका कुछ मैपिंग डायग्राम, सेट ए से ए डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5, रेंज के अंदर एग्जैक्टली तीन एलिमेंट आने चाहिए। तो पहली बात तो कौन से तीन एलिमेंट आने चाहिए, मैटर करता है कि भी 1 2 3 आएगा या 3 4 5 आएगा या 1 2 5 आएगा, कौन से तीन एलिमेंट आने चाहिए। तो वो कौन से तीन एलिमेंट आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेंज ले लिया 1 2 और 3 ले लिया, अब उसके फंक्शन बना दिया आपने, सपोज कुछ ऐसा बना दिया इस टाइप से, ये लो जी इस फंक्शन की रेंज में मात्र तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शन आप और भी बना सकते हैं जिनकी रेंज में 1 2 3 आए, जैसे एक और देख लेते हैं नीचे जिसकी रेंज में 1 2 3 आ रहा हो, ये देखिए आप यहां भी रेंज में क्या है 1 2 एंड 3, बट दोनों डिफरेंट फंक्शन है, क्यों, बिकॉज यहां वन का इमेज कितना है 1 और यहां पे 1 का इमेज कितना है 2। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन आप वो भी बना पाएंगे जिनके रेंज में क्या आता हो 1 2 3 आता हो। तो पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना कि कौन से तीन एलिमेंट रेंज में आएंगे, अब उन तीन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कितने फंक्शन बनेंगे, ठीक है। तो कौन से तीन, इन पांच में से तीन एलिमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं, और आप पीएनसी में आपने पढ़ा होता है कि जब भी आपको एन डिफरेंट थिंग्स में से आठ थिंग्स का चयन करना हो, उनका सिलेक्शन करना हो, तो नंबर ऑफ बेस विल बी एनसीआर। यहां पे पांच डिफरेंट एलिमेंट्स है मेरे पास, तीन मेरे को सेलेक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ बेस विल बी 5C3। अब जो भी आपने तीन एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं उनके करस्पॉन्डिंग कितने फंक्शंस बनेंगे, ये अपन सोल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, पीएनसी में एक ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ग्रुपिंग्स, ग्रुप फॉर्म करना होता है। और कब करने होते हैं, जब आप डिफरेंट चीजों को बांट रहे होते हैं अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, वो आपके जरूर यहां पे दिमाग में आने चाहिए। कैसे, वो देखिए आप, मैंने क्या किया, ये पांच मान लिए, यहां पे टॉयज मान लिए मैंने, टॉय नंबर 1 2 3 4 5, पांच डिफरेंट टॉयज है मेरे सामने, और ये तीन मैंने बच्चे मान लिए, तीन चाइल्ड्स हैं। अब इन पांच खिलौनों को बांटना है तीन बच्चों के अंदर, और इस प्रकार से बांटना है कि हर बच्चे को कम से कम एक खिलौना जरूर मिले। बिकॉज अगर ऐसा हो गया कि आपने इसको दो खिलौने बांट दिए और इसको तीनों बांट दिए, इसको कुछ दिया ही नहीं आपने, सपोज ऐसे बना दिया, ऐसे मान लेते हैं इसको दो भी दिया आपने, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, इसको दिया आपने तीन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये खाली हाथ, अगर ऐसा कर दिया तो रेंज में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं। तो रेंज में तीन एलिमेंट लाने के लिए हर बच्चे को कम से कम एक खिलौना अवश्य मिलना चाहिए। तो पांच खिलौने डिफरेंट उनको बांटना तीन बच्चों में, इस प्रकार से बांटना है कि हर बच्चे को कम से कम एक खिलौना जरूर मिले। तो उनके जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे वही इन तीन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगे आपको। लिख दीजिए आप नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फाइव डिफरेंट टॉयज अमंग थ्री चाइल्ड्स सच दैट ईच रिसीव्स
एटलीस्ट वन ड्रॉवर, हर बच्चे को कम से कम एक खिलौना जरूर मिलना चाहिए। तो जब भी डिफरेंट चीजों को बांटना होता है अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, आपने प्रतिबंध लगा रखा है कि कम से कम एक खिलौना जरूर मिलना चाहिए, तो अगर अंडर रेस्ट्रिक्शन बांटना होता है डिफरेंट चीजों को, तो आप ग्रुप फॉर्म करना होता है वहां पर, जिसको बोलते हैं ग्रुपिंग्स कॉन्सेप्ट, वो लगा दीजिए आप। पीएनसी में बड़ा होता आपने, तो पांच खिलौने बांटने हैं तीन ग्रुप के अंदर, और हर ग्रुप में कम से कम एक खिलौना जरूर आना चाहिए। तो ग्रुप का जो क्वांटिटी बनेगा वो बन जाएगा 2-2-1। इसके अलावा 3-1-1, और कोई केस तय कर लीजिए, बस दो ही केस बनेंगे, बिकॉज कम से कम एक नंबर तो आने चाहिए ना। अब इनका मैथमेटिकल फॉर्मेशन बना दीजिए, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, ये डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं बिकॉज पीएनसी में पढ़ रखा होता हमने, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, जितने ग्रुप का क्वांटिटी सेम होता है उतने ही फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होता है, इन दोनों का सेम है क्वांटिटी, फैक्टोरियल 2। ये तो अभी ग्रुप बनाया हमने, ये तो ग्रुप बनाए मैथमेटिकली, अब इन ग्रुप्स को असाइन भी करना है। ये तीन बंडल है, एक ही बंडल दो खिलौना का, एक बंडल ये और एक बंडल ये, अभी तीन बंडल और सामने तीन बच्चे, तो तीन बंडल्स को असाइन करना तीन बच्चों के अंदर। Number of ways will be factorial 3 plus, यहां पे दो नहीं है पांच है, factorial 5 divided by factorial 3 factorial 1 factorial 1, अगेन दोनों ग्रुप का क्वांटिटी सेम है, डिवाइड करेंगे factorial 2 से और असाइन करने के लिए factorial 3। इसको सोल्व कर लीजिए आप, सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा आपको 150। तो अपना आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सच फंक्शंस विल बी 5C3×150। ये होता है 10 1500। 1500 ऐसे फंक्शंस बनेंगे जो गिवन रूल को फॉलो करने वाले हैं, जिनके रेंज में एग्जैक्टली तीन ही एलिमेंट रहेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, थैंक यू।